आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी का पराठा बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आपको मेथी का पराठा बनाना तो आता ही होगा, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से मेथी का पराठा बना के देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसमें मैंने दो खास चीजें डाली है जिसकी वजह से इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पराठा पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बंच मेथी लिया है और इसको मैंने पहले विनेगर के पानी से धुल लिया है, उसके बाद नॉर्मल पानी से 2 से 3 बार धुल के फिर यहाँ पे रखी हूँ और इसका सारा पानी निकल गया है। तो अब इसको कट कर लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक कट करेंगे। इस तरह से लेंगे और बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक सारा मेथी कट कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, तो इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन क्रश करके फिर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आए, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा वैसे आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं कम ज्यादा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कलर के लिए डालेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कटा हुआ अदरक, आप घिसा हुआ अदरक भी ले सकते हैं। छोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ लहसुन, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक छोटा प्याज। लहसुन और प्याज ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो ही डालिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। छोटे टुकड़ों में कटी हुई धनिया पत्ती मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून है और 1 बड़ा चम्मच है चावल का आटा। आप इसकी जगह पे चाहे तो रवा भी ले सकते हैं बारीक वाला, इससे पराठा बहुत ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनता है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो ऐसा नहीं बनाते होंगे, सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाते होंगे, तो उसमें थोड़ा सा चावल का आटा और या तो रवा डाल दीजिए तो पराठा और बढ़िया बनेगा। अब इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ मेथी और 2 चुटकी हींग मैंने पानी में भिगा के रखा था, तो इसको भी डाल देंगे। अब हाथ से सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले, फिर पानी डालेंगे। अगर पहले पानी डाल के आटा गूंथने लगेंगे तो मेथी से जो पानी निकलेगा तो आटा और गीला हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करेंगे, मीडियम आटा तैयार करेंगे जैसे रोटी का रहता है। इस तरह से मैंने आटा तैयार कर लिया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है, तो हल्का सा ऑयल इसमें ऐसे लगा के और इसको एक बराबर कर लेंगे। ढक के 5 मिनट के लिए रहने देंगे, उसके बाद पराठा बनाना शुरू करेंगे। 5 मिनट हो गया है तो पराठा बनाना शुरू करेंगे। जितने साइज का आपको पराठा बनाना है उतने साइज का आटा इसमें से तोड़ लीजिए और गोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। मोटा पतला आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आप इसको जितना पतला करना चाहते हैं उतना पतला हो जाएगा, और अगर मोटा रखना चाहते हैं तो मोटा भी बना सकते हैं। किसी शेप में बनाना चाहते हैं, स्क्वायर में या ट्रायंगल में, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे गोल ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर या जो भी मसाला आपको डालना है डाल सकते हैं, लेकिन मेथी का पराठा है तो ये हेल्दी होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि जो भी हेल्दी चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा मसाला और तेल नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, देखिए पतला है बिल्कुल। तवा मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो इसको तवा पे डालेंगे। गैस फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और इसको सिकने देंगे एक साइड से। कलर चेंज लग रहा है तो इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी थोड़ा सा सीख जाने देंगे।
पराठे में लगाने के लिए मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इस पराठे में सरसों का तेल ही ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे ये बहुत पसंद है, सरसों के तेल में बना हुआ मेथी का पराठा। सरसों का तेल नुकसान भी नहीं करता है, इसलिए मैं सरसों का तेल ही लेती हूँ। पराठे में कम ज्यादा अपनी पसंद अनुसार ऑयल आप लगा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेथी का पराठा हेल्दी होता है, तो अगर बहुत ज्यादा ऑयल लगा देंगे तो हेल्दी नहीं रहेगा ये। अब दोनों साइड से पलट पलट के बढ़िया सा कलर आ जाने देंगे और क्रिस्पी कर लेंगे। क्रिस्पी आप जितना पसंद करते हैं उतना कर सकते हैं गैस फ्लेम लो करके। तो देखिए बढ़िया सा कलर आ गया, क्रिस्पी हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। और एक दूसरा पराठा मैंने बेल के तैयार कर लिया था, तो इसको भी डाल देंगे तवा पे। सेम उसी तरह से इसको भी बना के निकाल लेंगे। पराठा इस तरह से पलट के फिर तेल लगाएंगे तो तेल कम लगता है। आधा पराठा तो सिक चुका होता है तो इसलिए सिर्फ ऊपर के भाग में ही तेल लगता है, और अगर कच्चे पराठे पे ही तेल लगाएंगे तो तेल ज्यादा लगता है। मैं इसीलिए आधा सेक के फिर तेल लगा रही हूँ ताकि तेल कम लगे। ये जो ऊपर तेल लगा है अगर आप इसको भी निकालना चाहते हैं तो इस तरह से पराठा इसके ऊपर डाल दीजिए और इसको ऐसे पलट दीजिए। तो देखिए जो पराठे में तेल लगा था सब हट गया है, इसमें तेल बिल्कुल नहीं है और इस पराठे में लग गया है तेल। तो इस तरह से अगर आप पराठा बनाएंगे तो तेल इसमें कम लगेगा। देखिए कितना बढ़िया पराठा बनके तैयार हो गया है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत ही ज्यादा खस्ता है ये देखिए। और मैंने इसको बिल्कुल पतला बनाया है, आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा बना सकते हैं या कोई शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से पराठा आप अचार के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, सभी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया पराठा बना है ये देखिए। इसमें चावल का आटा डाले हैं जिसकी वजह से ये खस्ता लग रहा है। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप रवा भी डाल सकते हैं, बारीक वाला। बारीक रवा भी नहीं है तो मोटा रवा लेके मिक्सी जार में चला के फिर डाल सकते हैं। और सरसों के तेल में अगर आप पराठा नहीं बनाए हैं तो एक बार जरूर बनाइएगा। सरसों के तेल में बना हुआ मेथी का पराठा और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरी ये मेथी का पराठा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।